बचपन में मैंने तो हमेशा कहा है आई बीन अ ह्यूज माधुरी दीक्षित फैन, तो उनके बहुत सारे पिक्चर्स मेरे पास हैं, अभी भी हैं. इनफैक्ट उन्होंने एक फिल्म में, हम आपके हैं कौन में, एक ग्रीन और वाइट कलर का लहंगा पहना है, तो आई हैव अ पिक्चर ऑफ मी ऑल्सो एट सम वेडिंग वेयरिंग द एग्जैक्ट सेम आउटफिट, बिकॉज मैंने बहुत जिद की थी कि आई वॉन्ट टू वेयर वॉट शी इज़ वेयरिंग, काइंड ऑफ अ थिंग. सो आई हैड अ ह्यूज फैसिनेशन विथ हर, द वे शी डांस, द वे शी एक्सप्रेस, जैसे वो एक्सप्रेस करते थे अपने फेस से, मतलब डांसिंग तो वो इतनी अच्छी करती थी पर उनका फेस अलग डांस कर रहा होता था. तो शी इज़ ऑलवेज बिन समवन आई हैव ऑलवेज लव्ड एंड एडमायर्ड. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा पहला कवर है सिनेब्लिट्स के साथ और बहुत ही अच्छा निकल के आया है, और मुन्ना ने शूट किया है और बहुत ही कम टाइम में हम लोग ने प्लान किया, डिसाइड किया, और केवल 4 घंटे में ना कि कवर बल्कि बाकी इनसाइड की सारी पिक्चर्स भी निकाल दी. एंड इट्स बट आई हैव टू से कि कम टाइम का मतलब ये नहीं था कि कोई कमी रह गई. आई थिंक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है सबसे, एंड आई एम रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू सिनेब्लिट्स, द एंटायर टीम एंड मुन्ना फॉर दिस कवर. उसका मतलब ये है कि मुझसे सवाल पूछा गया था कि इस साल में आपने क्या नई सीख क्या मिली आपको, क्या नए एक्सपीरियंसेस आए, तो मैंने यही कहा कि शायद मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि यू नो मुझे और ज़्यादा प्यार मिलता जा रहा है और ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती जा रही है. मतलब जब नए नए आते हैं तो सब लोग आपके बारे में, एंड आप इंडस्ट्री से नहीं होते हैं तो हर तरह के बातें करते हैं या जज करने की कोशिश करते हैं. आई फील फाइनली पीपल हैव जस्ट एक्सेप्टेड मी एंड दे स्टार्ट लविंग मी इवन मोर, सो आई एम जस्ट फीलिंग दैट. सो आई थिंक उसमें से आई थिंक अवार्ड रिवॉर्ड दोनों से चीज़ फ़ायदे होते हैं. अवार्ड मैंने जैसे कि उस आंसर में भी कहा कि इट्स अ गुड वे कि एक इंडस्ट्री एक दूसरे को बोलती है, अप्रिशिएट करती है कि आपने अच्छा काम किया, तो एक अवार्ड मिलके अच्छा लगता है. मेरे बुकशेल्फ पे भी जब मैं लगाती हूँ तो वो बाकी अवार्ड्स के साथ उसने ज्वाइन कर लिया है. एंड एक जिस फिल्म के लिए मुझे अवार्ड मिला वो बहुत ही स्पेशल फिल्म है मेरे लिए, डेढ़ इश्किया, और आई एम ग्लैड कि जबकि वो फिल्म पिछले जनवरी रिलीज़ हुई थी अब तक लोगों को उसके बारे में यू नो लोगों के जहन में वो फिल्म अभी भी है, वो कैरेक्टर अभी भी है. एक एक्टर बहुत मेहनत करता है हर रोल के लिए, तो अच्छा लगता है जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है. वरुण धवन आई थिंक द नेक्स्ट सुपरस्टार है रियली, वो ऑलरेडी बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं, वो मतलब मुझे फुल उम्मीद है कि और बड़े बड़े होते जाएंगे विद एवरी फिल्म, क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है. मैंने बहुत ही कम लोग देखे हैं जो अपने काम को लेके 24 घंटे सोचते रहते हैं और आइडियाज़ लगाते रहते हैं और सीन अच्छा कैसा हो और फिल्म की मार्केटिंग कैसी हो और जस्ट अबाउट एवरी थिंग, एंड ही इज़ सो पैशनेट अबाउट हिज करियर. आई थिंक इट्स रियली लवली. मैंने तो बहुत कुछ सीखा है उनसे. फिलहाल तो जस्ट बदलापुर, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बदलापुर, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है. मैंने जैसे मैंने पहले भी कहा मेरे कम्फर्ट जोन के बाहर की फिल्म है, तो आई एम रियली होपिंग कि ऑडियंस को हमारी फिल्म पसंद आए, क्योंकि एक फिल्म बनाने में बहुत मेहनत लगती है. तो अभी फ़िलहाल तो फेब 20 को बदलापुर रिलीज़ होगी, तो उसके लिए अभी फिंगर्स क्रॉस्ड हैं.